जिस मिट्टी पर हम जन्मे हैं, उस मिट्टी की बात निराली है, कण कण में प्यार समाया है, सबको जीवन देने वाली है। क्या आप मुझे पहचान पाए? नहीं तो मैं ही अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ मिट्टी, कोर नंबर 2, सरहद पर जवान, वतन की मिट्टी की खाते शहीदों के लिए तैयार रहता है, किसानों के लिए तो मैं सोना हूँ सोना। दोस्तों, मेरा मटका हम सबको ठंडा जल भी देता है। अरे मटके से तो मुझे कहानी याद आ गई। एक किशन नाम का लड़का गांव में पानी भरने का काम करता था। उसके पास 2 मटके थे, एक का नाम था चक्कू और दूसरे का नाम था मटकू। एक बार जब किशन मटकों में पानी भर कर ला रहा था, तब एक बच्चे की गेंद चक्कू में आकर लगी। चक्कू जोर से चिल्लाया, क्या हुआ चक्कू? मालिक, मुझे चोट लगी है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मालिक तब तुम्हें फेंक देंगे। तो ठीक ही तो है, मालिक आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है चक्कू। पर मालिक, मैं तो किसी काम का नहीं रहा। ये सब छोड़ो चक्कू, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, तुम भी मेरे साथ गाओ। मालिक, मुझे गाना गाना नहीं आता। तो मैं ही तुम्हें सुना देता हूँ। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंसती है। मालिक, अब तो बहुत अच्छा गाती है। वाकई में मालिक, आपका गाना सुन के तो मेरा मन ही खुश हो गया। मालिक, देखिए आप कितने सुंदर फूल है। वाकई में बहुत सुंदर फूल है। मालिक, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, तब भी आप मुझे गाना सुना रहे हैं? चक्कू, तुम मेरी परेशानी का नहीं, तुम मेरी खुशी का कारण हो। यह सारे फूल तुम्हारी वजह से ही तो गए हैं। क्या सच मालिक? यह सारे फूल मेरी वजह से हो गए हैं? हाँ चक्कू, जब मैं तुम्हारे अंदर पानी भरकर लेकर जाता था, तो तुम्हारे अंदर से पानी गिरता था, उसके कारण सड़क किनारे इतने सुंदर फूल उगे हैं। उससे रास्ता भी खूबसूरत हो गया है और मेरी आमदनी भी बढ़ गई है। आमदनी? हाँ, मैं थोड़े से फूल यहाँ से तोड़ लेता हूँ और बाजार में जाकर बेच लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं। तो मालिक, क्या आप मुझसे खुश हैं? हाँ चक्कू, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। चक्कू,